Ah oui. क्वेश्चन पूछना है इसमें से, ये तो आरपीएस है, शेयर होगी स्क्रीन आपके सामने ना, कि कौन सी हो रखी है आपकी स्क्रीन, मुझे ये शेयर नहीं करनी थी, मुझे शेयर करनी थी स्क्रीन आपके साथ ओपन बोर्ड वाली, ये वाली। हाँ जी नहीं, ये देखो आरपीएस लग रही है आपको, ये पहली तो चली गई पहले, अब तो अब बाद वाली आ गई, पहली तो पहले चली गई। हाँ भाई शुरू करो, छेती छेती। क्या पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन चाहिए? पक्का है? पांचवा क्वेश्चन चाहिए? पांचवे में कार्बोक्टेन बना लो, SN1 पूछ रहा है। कार्बोक्टेन बन गए, जो पहले वाला कार्बोक्टेन है वो एरोमेटिक है, और दूसरा जो कार्बोक्टेन बना ना ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने के लिए एक तो चाहिए SP2 हाइब्रिड प्लेनर, इसके अलावा तुम्हें चाहिए 2 6 10, मतलब 4N+2 पाई हकल्स रूल, 2 6 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इन भाई साहब के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फ्लैट तो ही प्लेनर तो ही, तो जिसमें 4 के टेबल के पाई इलेक्ट्रॉन्स चलते हो ना, 4 8 12 16 20 24 28, 4 के टेबल के पाई इलेक्ट्रॉन, वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? एरोमेटिक, फिर कौन आएगा? थर्ड वाला नॉन एरोमेटिक, लास्ट में कौन आएगा? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने में एक खास बात कॉमन है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने में एक बात कॉमन है, फ्लैट SP2, एरोमेटिक होने में चाहिए 4N+2 हकल, और एंटी एरोमेटिक होने में चाहिए 4 के टेबल के पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4N पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी उसके अंदर, 4 की टेबल। कई बार एन की वैल्यू 0 पुट करके बच्चे ना हर एक स्ट्रक्चर को ही एंटी एरोमेटिक डिक्लेयर करते चले जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 4 के टेबल वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 8 12। हाँ भाई अगला नंबर 16 17 18 19 110 111। क्या आप झूठ मार रहे हैं? तो इसका मतलब आप सच मार रहे हैं। चलो 111 112 113 114, जो जितना अच्छा बेस है, सॉरी जो जितना लार्ज साइज का है, तो इसको देख के तो साफ पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी में 2 नंबर सबसे टॉप पे आएगा। भाई साइज लार्ज है ना, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, विच वन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? आयोडाइड, CH3O-, CH3S-, विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? S-। ठीक है ना, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल तो ये निकल आया। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम थर्ड से कैसे कंपेयर करो, तो इसका भाई O कम, नेगेटिव कम हो गया, जिसपे नेगेटिव ही नहीं है, जिसपे जितना नेगेटिव उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, जो जितना साइज में लार्ज उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। तो अब आपको शायद पता चल गया हो 1 और 3 में कौन बेटर होएगा, 1। हाँ जी 13 14 15,
ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल लेड का 2.1 श्योर है? झूठ मार रहे हो? चलो 2223, 2425, इतने नो मत बोलो, मुझे शक होने लग जाए तुम लोगों पे। है एन ब्रोमोसक्सिनियमाइड, ये रिएजेंट है। फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिएजेंट, आइडेंटिफाई द मिसमैच। ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ इस जगह पे, क्लियर? इस जगह पे सॉरी, क्योंकि ये गड़बड़ किया क्या इसने, सी डबल बॉन्ड सी, ये तो हो गया वीवी, ये हो गया अलाइलिक, और यहाँ और ये अलाइलिक हो, कार्बन ही कम हो गया, ये तो मिसमैच ही कर गया पहला नंबर ही। भाई पहले नंबर में कार्बन कितने, 1 2 3 4, और बाद वाले में कितने, 1 2 3 सिर्फ। फिर आगे देखें, ये तुम्हारे पास है टर्शरी अल्कोहल, इस पे प्रोटोन का अटैक हुआ, ये हट गया, कोई रीअरेंजमेंट के चांस नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये टर्शरी चल रहा था, ये ठीक है। उसके बाद हाँ जी, कौन सा, ओए स्टेप डाउन रिएक्शन में हंसडिकर होता है, यहां कौन सा हंसडिकर है, स्टेप डाउन रिएक्शन तो हंसडिकर में होती है। जपनूर जी, आर सी ओ ए जी प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ आर बी आर स्टेप डाउन, आर सी ओ ए जी, यहां कहीं आर सी ओ ए जी तो दिख ही नहीं रहा हम लोगों को, ये हमें दिख रहा है 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन पे एन बी एस, ये तो होल जीगलर है, होल जीगलर, डब्ल्यू ओ एच एल, क्लियर, होल जीगलर, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है ना। 7 8 बार रिवीजन की टेंडेंसी डालो, अगर 11th वीक है, क्लियर ना, तो वही घर पे मैं कर रहा हूँ अपने एफर्ट्स, वही तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, क्लियर। तो उसकी भी 11th थोड़ा सा वीक रही हुई है, इसलिए मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन ज़्यादा दे, तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है वो ना, वैसे तुम भी आ सकते हो, क्योंकि मेरे लिए वो भी एक्सपेरिमेंटल है और तुम भी एक्सपेरिमेंटल हो, क्योंकि 11th तुम भी खुद ही बोलते हो, मुझे तो नहीं पता तुम्हारी कैसी थी, तुम ही बोलते हो कि हमने 11th बहुत अच्छी कर रखी है। ये आपके पास है इथाइल एल्कोहल और ये PBr3, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। ये आपके पास है 2 क्लोरोब्यूटीन प्रोपेन, AgF तो स्वार्ट्स रिएक्शन होगी, ये भी ठीक है, मिसमैच ऊपर वाला कर गया, 4 कार्बन 3 कार्बन, ये तो बिल्कुल रूल ही नहीं है। हाँ अगर तुम इसका आंसर लिखने में इंटरेस्टेड हो तो इसका आंसर ये वाला लिख देना, और नेमिंग कर देना 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन, ब्रोमो को 2 मत दे देना भाई, ये विदाउट सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स वाई FMS के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा वो है नहीं। फिर मल्टीपल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, तो 1 नंबर पे आ रहा है, तो नोमेनक्लेचर में 3 ब्रोमो और 1 ब्यूटीन बनना चाहिए। चलो 2 7, टू सेवन और 2.7 अलग अलग तो नहीं है, मैंने 2.7 ही बोला था, तुम्हें लगा 2.7 का मतलब तो 27 होता है, वो तो लेवल 2 में होना चाहिए। तो SN1 का मतलब है कार्बोकेटायन बनाना है, इसको हटा के कार्बोकेटायन बनाते चले जाओ और उनकी स्टेबिलिटी चेक करते चले जाओ। अब मेरे टारगेट पे 1 N 4 आ गए, SN1 देखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, SN1 देखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो मैंने सबके कार्बोकेटायन बनाने के बाद 1 N 4 को कंपेयर किया, इसमें लगा पी पाई बैकबोन, इसमें लगा पी पाई बैकबोन, तो नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड डोनर, आपके नोट्स में होगा कहीं ना कहीं GOC में, मान लो नहीं है, वैसे है लेकिन मान लो नहीं है, तो नाइट्रोजन और ओ में से अच्छा डोनर नाइट्रोजन को ही माना जाता है,
क्लियर, ये आपके इस नोट्स में भी एल्काइल एराइलाइड के। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन को डोनेट किया, यहाँ ओ ने भी डोनेट किया, इसको बोलते हैं पी पाई, पी पाई बैक बॉन्डिंग। लेकिन नाइट्रोजन अच्छा डोनर होने से फोर्थ शुड बी ऑन फर्स्ट नंबर, फोर्थ शुड बी ऑन फर्स्ट नंबर, देन फर्स्ट शुड बी ऑन सेकेंड नंबर, फर्स्ट शुड बी ऑन सेकेंड नंबर, आंसर आ गया। और यहां जो हिंट लिखोगे, जपनूर लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन मैटर कर रही है, इसमें जो हिंट लिखोगे वो लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन मैटर कर रही है। हाँ भाई 2.8, अब मैंने पॉइंट भी बोल दिया साथ में, 2.9, 2.10, 0.10 ब्रोमीन रिएक्ट्स विद, ये एक्चुअल में थोड़ा सा 11th लग गई, और 11th आपकी बहुत अच्छी है, ऐसा आपने मेरे को बताया था। ये इथीन है, ब्रोमीन इससे रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद इथीन टू यील्ड ब्रोमो मिथोक्सी इथेन, दोनों प्रीफिक्स है, इन एडिशन टू 1,2 डाइब्रोमो, ये भी मिला, और सोलवेंट आपके पास दोनों में मिथेनॉल था, क्लियर है, इन मिथेनॉल सॉल्यूशन। अब कारण क्या है भाई, बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक बार मेरे व्हाट्सएप पे आप ही की क्लास में से एक बच्चे ने पूछा था, सर ये साइक्लिक टीएस क्या है, आप ही में से किसी बच्चे ने पूछा था इसे साइक्लिक टीएस क्या है। तो साइक्लिक टीएस क्या है, जब भी एल्कीन पे एल्काइन पे अटैक कराओगे इलेक्ट्रोफाइल का, क्लियर ना, बड़ा आसान हो जाएगा एल्कीन एल्काइन अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से काम करते रहते हो। तो जब भी आप किसी एल्कीन एल्काइन पे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे जिसके पास लोन पेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसने कार्बोक्टेन बनाना ही बनाना है, लेकिन विद लोन पेयर हो, जैसे कि ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन से एक तो बन जाएगा ब्रोमाइड और एक बन जाएगा ब्रोमोनियम। तो हमें पता है एल्कीन एल्काइन्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, क्लियर ना। मेरी आज फोटो तुम्हें कुछ ज्यादा रेड रेड दिख रही है क्या, नॉर्मल दिख रही है, तुम सोच रहे हो कि सर का हीमोग्लोबिन 22-23 हो गया लगता है ना। चलो अच्छी बात है तुमने ऐसी बात सोची, नहीं तो तुम सारा दिन खून जलाते हो मेरा, अब खून बढ़ गया तो अच्छी बात है। तो जितने भी एल्कीन एल्काइन्स है उस पे जो अटैक होएगा वो होएगा ब्रोमोनियम, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही अगर तुम मिथोक्साइड की बात करो, क्योंकि पहला अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, 5 मिनट लगा दो फिर अगर तसल्ली से सुनना ही चाहते हो ढंग से, तो ये हमारे पाप है पिछले साल के, हमारे मतलब तुम्हारे, मेरे नहीं। लो जी ब्रोमीन, ठीक है, अंशिका तुम मुक्का खाओगी मेरे से, एक तुम्हारे कमरे में तुम्हें कौन परेशान करता है, अगर मम्मी पापा है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अगर कोई और है तो फिर उसको भी मुक्का बनता है एक, मम्मा हाँ फिर तो मैंने पहला, फिर तो मेरा बोलना कुछ बनता नहीं है ना, फिर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ जी क्योंकि मम्मी से सारे डरते हैं। हाँ जी ब्रोमीन ब्रोमीन की बात हो रही है, सिंह साहब चेक करो, बीआर बीआर, अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल बीआर है और विद लोन पेयर है, मैं बार बार कहूंगा इसको सिंपल एक लाइन में डाल लो यार, एल्कीन, बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक रटनी पड़ती है, मेरे को भी अभी घर घर में यही बार बार फीडबैक आ रहा है, रटनी पड़ती है, अब उसको तैयार कर रहा हूँ, रटनी नहीं पड़ती थोड़ी समझनी भी पड़ती है, क्लियर ना। तो ये ब्रोमीन है ना, चेक करो ब्रोमीन पे ब्रोमोनियम, ब्रोमोनियम पे लोन पेयर है, और लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल होएगा बच्चे। अब जिस बच्चे ने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा था ये साइक्लिक टीएस क्या है, लो जी आज उसका अच्छा दिन है, वो समझ ले कि साइक्लिक टीएस ही है, ये ना एक मोमेंट्री इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, कार्बोक्टेन बनाता है, मोमेंट्री कार्बोक्टेन बनाता है, लेकिन वो जो कार्बोक्टेन है ना बच्चे, ध्यान से सुनना, यू समझो कि कुछ इस टाइप की हरकत हुई, लेकिन इस पे जो लोन पेयर थे ना वो इस प्लस के साथ इमीडिएटली ज्वाइन कर गए, इसको बोलते हो रिंग वाली साइक्लिक स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, रिंग वाली ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, हाँ, उसके बाद
इसने जाकर दूसरी साइड से अटैक कर दे रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं बची हमारे पास। तो जब भी कोई ब्रोमीन का अटैक होएगा ना, साइक्लिक टीएस के थ्रू अटैक होएगा ना, तो उस टाइप के अटैक को हम 11वीं क्लास में सीख कर आए थे, ट्रांस अटैक। अब आप पीछे चलो एक बार उस क्वेश्चन पे, आपके पास ब्रोमोनियम भी है, ये तो पहले नंबर पे अटैक कर गया, लेकिन आपके पास न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के हैं, एक ब्रोमाइड एक मिथोक्साइड, एक ब्रोमाइड एक मिथोक्साइड। तो अगर ब्रोमाइड अटैक किया, ब्रोमाइड ब्रोमोनियम, ब्रोमाइड ब्रोमोनियम, तो ये आंसर आ गया। ब्रोमोनियम तो करना ही करना है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो करेक्टरिस्टिक है। एल्कीन पे एच प्लस का, बी आर प्लस का, मिथाइल प्लस का, सी एल प्लस का, सी एच थ्री सी ओ प्लस का, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो होना ही है, 99% होना ही है। और सेकेंडरी जो फास्ट अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, मिथोक्साइड कर दिया अटैक। अब चार ऑप्शन तुम खुद पढ़ो, खट से आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। आयन फॉर्मड इनिशियली में रिएक्ट विद ब्रोमाइड और मिथेनॉल, मिथेनॉल सोल्वेट्स द ब्रोमीन, रिएक्शन फॉलोज मार्कोवनिकोव, दिस इज अ फ्री रेडिकल। तो साफ लग रहा है कि एक एक न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड बना और दूसरा न्यूक्लियोफाइल खुद मिथेनॉल बना, दैट्स व्हाई हमारे पास दो आंसर आ गए। और मैंने लास्ट ईयर बच्चों के नोट्स में, जो 11th के साथ साथ में ड्रॉपर वाले बच्चे भी थे, उनको मैंने कुछ ऐसे लिख के दी थी रिएक्शन, सुनना भी ध्यान से। मैंने कहा जी मेरे पास ब्रोमीन का अटैक हो रहा है इन NaCl, साथ में NaCl है, तो क्या मुझे दो BrBr अटैक करते दिखेंगे? बच्चे कहते यस, उनको पता था पहला इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा जी एक Br एक Cl का अटैक होता मिलेगा? कहता हां जी, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस अवेलेबल है, क्या मुझे दोनों के दोनों Cl मिलेंगे? बच्चों ने इमीडिएटली मना कर दिया, कहते सर आपके पास क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल तो है ही नहीं, आपके पास ब्रोमोनियम ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल तो है, आपके पास ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल तो है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास दो है, एक तो ब्रोमाइड दूसरा क्लोराइड। और जब आपने इस क्वेश्चन के अंदर मिथेनॉल प्लस ब्रोमीन लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल तो ब्रोमोनियम ही है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास दो है, एक बी आर माइनस एंड मिथेनॉल इटसेल्फ, तभी दो टाइप के आंसर कॉपी पेस्ट हो गए। आंसर टैली कर लेना भी पीछे। हाँ भाई, 2.18 तक के क्वेश्चन पूछो। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स अ गुड यील्ड ऑफ आइसोब्यूटाइल, जहां कार्बोक्टेन नहीं बन रहा हो, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल से तूने आइसोब्यूटाइल एल्कोहल से क्लोराइड ही बनाना है, क्लियर ना? तो इसमें तो कार्बोक्टेन बनता है, भूल जा, ये तो अटैक ही नहीं कर पाता, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है, Na प्लस इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल, PCl5 में कार्बोक्टेन नहीं बनता, दैट्स व्हाई इट इज गुड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो दिमाग से इमीडिएटली लगा लिया करो कि अगर इसमें PCl3 भी होता, अगर इसमें SOCl2 विद पिरिडिन भी होता, तो कार्बोक्टेन तो कहीं नहीं बनता, तो सारे आंसर आपको ऐसे ही मिलने थे। पर यही नहीं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसके जैसे क्वेश्चन में मान लो मेरे को इंस्ट्रक्शंस आ गए कि यही क्वेश्चन डालना है विद मॉडिफिकेशन, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऑप्शन पे PCl3 डाल दूंगा, दूसरे पे PCl5 डाल दूंगा, तीसरे पे SOCl2 पिरिडिन डाल दूंगा, चौथे नंबर पे ऑल ऑफ दीज कर दूंगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। टू थर्टीन फोर्टीन, विच इज फॉल्स व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, अभी तुम कर लो, पीछे आ जाओ एक बार पढ़ लो, एक बार अभी निपटा के जाओ ना। द रिएक्शन अकर्स वाया साइक्लिक थ्री मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, विसिनल डाइहैलाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट, दो बी आर पड़ोस में लगे हुए, वन वन डाइहैलाइड तो भूल ही जाओ, ट्रांस एडिशन मैंने बताया था, ट्रांस एडिशन होता है, 11th का क्वेश्चन है एक्चुअल में ना, लेकिन
मना नहीं कर सकते ना, 12वीं का 11वीं में आता तो कह देते 12वीं का, 12वीं में 11वीं आए तो मना कैसे करोगे आप, क्योंकि तो ऑलरेडी हम पढ़े हुए, आगे डॉट 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 पूरा कर लेना लाइन। चलो जी 214, आगे देखना भी 2.18 तक, कौन सा चाहिए 15, लो भी 15, क्या हो गया अभी इस 15 को, वो SN2 है, फिंकलस्टीन SN2 से कंट्रोल होती है, एसीटोन देखकर और आयोडाइड देखकर पता नहीं चला। तो अब सोच कि जिस कार्बन पे अटैक सीएल है ना, हाँ इस पे जाना है ना, OH पे अटैक होना है, कौन सी है, नहीं मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, ये फिंकलस्टीन है तो सीएल जाएगा, सीएल जाके आई आएगा, लेकिन मैं हाँ, इतनी गंदी शक्ल सिंह साहब, और फिंकलस्टीन है, फिंकलस्टीन इज अ हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज मतलब सीएल हटा के आई लगाना है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं जो चाहता हूँ वो क्या है, इस कार्बन का टाइप देखो ये आर है, एस है, और जो अगला बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां OH पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, ये भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, मतलब इनमें से हमें थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके टाइप देख लो ये कैसा है, इसका टाइप देख लो ये कैसा है, इसका टाइप देख लो ये कैसा है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, किस्मत अच्छी तो पहले में आंसर मिल जाएगा, नहीं तो चीज चौथे में जाके मिलेगा, बहुत ज्यादा गंदी किस्मत हुई तो। नहीं, एक तो एसीटोन पड़ा हुआ है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, एनए पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, और तुम्हारी कॉपी में ना नोट्स में देखना एक जगह लिखा हुआ है, फिंकलस्टीन प्रोसीड्स थ्रू SN2, सोलह सत्रह 2.16, 2.17, 2.18, 2.18, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ ROH विद HX, रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल विद HX रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ, आसान हो जाएगा निकलना, ZnCl2 हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ OH बॉन्ड, और मुझे याद आ रहा है एक बच्चे ने बोला भी था ZnCl2 फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद OH, जिससे वो बल्की होकर उसका निकलना आसान हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद 3 डिग्री एल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाँ टर्शरी रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, टर्शरी इज वेरी रिएक्टिव, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग विद HBr इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड, ये कहीं ना वो NaBr की बात कर रहा है, क्योंकि ना HBr एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो ये खतरा है, आगे वाला पढ़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी साफ दिख गया कि फोर्थ ही गलत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद अ गिवन हेलो एसिड 3:1 होना चाहिए पुत्र जी, पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से। हाँ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज 3.1, केमिकल प्रॉपर्टीज 3.2, 3.3, 3.4, कौन सा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, इतने नो मत बोलो यार, शक होने लग जाएगा, फिर पक्का तुम 3.12 भी पूछोगे, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्यों भाई 3.12 से पहले कुछ है नहीं। चलो आपको बताया था, आप में से कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को उठाया भी था, जब आप 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो ब्यूटेन का एलिमिनेशन करवाओगे तो 1 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्यूटीन में 2 बनते हैं, एक नोट्स का पेज देखना आपको लिख कर दिया था, जब आप एल्कीन्स बनाते हो तो पॉसिबल एल्कीन्स कौन कौन सी बनानी चाहिए, पॉसिबल एल्कीन्स आपको 1 ब्यूटीन भी, 2 ब्यूटीन भी, 2 ब्यूटीन में सिस ट्रांस है, तो टोटल 3 एल्कीन आ जाएंगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से कोई आंसर है। अब सुनो ध्यान से, ये फिर थोड़ा सा 11th पे चलेगी बात,
लिसन केयरफुली, अगर कभी भी वन ब्यूटीन की बात कर रहे हो, उस पे फर्दर तुमने ब्रोमीन, अभी थोड़ी देर पहले इसका मैकेनिज्म करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले ब्रोमीन वाले का मैकेनिज्म करवाया था, तो मैंने वन ब्यूटीन लिखा, इस पे ब्रोमीन का अटैक हो गया, तो ब्रोमीन ने अटैक करके मुझे विसिनल डाई हैलाइड दे दिए। जैसे ही विसिनल डाई हैलाइड बना, हमारे दिमाग में एक बात गई, भाई ये तो कायरेल है, मिथाइल ब्रोमो, इथाइल मिथाइल ब्रोमो एच, तो इसके दो फॉर्म बन गए आरएस। अब तुमने टू ब्यूटीन उठाया, जब मैं आपको एल्कीन चैप्टर पढ़ाऊँ ना पर्टिकुलरली, तो वहां मैं आपको एल्कीन्स पे ब्रोमीन का अटैक करवाता हूँ, सिस पे सिस और सिस पे ट्रांस अटैक टाइप से। तो अभी सिन पोजीशन है, सिस पोजीशन है, सिस टू ब्यूटीन, ब्रोमीन का अटैक हुआ। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको कि ब्रोमीन का अटैक ट्रांस है। हे महान आत्माओं, ये बात की थी आपसे, Br2 साइक्लिक टीएस बनाएगा, थोड़ा नया है, और नया इसलिए क्योंकि पुराना है, क्लियर ना? तो ब्रोमीन का जब भी अटैक हो रहा है साइक्लिक टीएस के थ्रू हो रहा है। कोई सामने वाला पूछेगा व्हाई साइक्लिक टीएस, आप बोलोगे मैंने रट रखा है, ना ना ऐसा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे क्योंकि जिस बीआर का अटैक हो रहा है उस पे लोन पेयर है। अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो भाई और बहनों साइक्लिक टीएस ही बनेगी, और जब साइक्लिक टीएस बन जाए तो जो बाद में फास्ट अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, वो उल्टी साइड से होएगा, मतलब ट्रांस अटैक होएगा। तो ट्रांस अटैक हुआ किस पे, सिस पे ट्रांस अटैक। ये नया आपके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिखना है, इसको प्रॉब्लम के फॉर्म में मत लिखना, अपनी कॉपी में जहां नोट्स बनाते हो, अगर बनाते हो तो, क्वेश्चन मार्क नहीं है, लाइन है, हाईलाइटेड भी अगर बनाते हो तो। जैसे सुबह मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ ना, ऐसे बेड पे लेटे होते हैं दोनों, ऐसे लेकिन मोबाइल, मैं क्या कर रहा है, कहता जी पढ़ रहा हूँ, मैं लग तो रहा है वैसे तो पढ़ ही रहा है, वो एक्चुअली पढ़ रहा है, उसको बोलता है पढ़ रहा है, मतलब बेड पे पड़ा हुआ है वो, तो ऐसे करके मैं लिख लुक नहीं रहा, नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, फिर जब क्वेश्चन पूछने लगो तो लीव कर जाते हैं। तो अगर आप लिखते हो तो फिर अच्छी बात है, और लिखना चाहिए, मैक्सिमम लिखना चाहिए, सुनो भाई, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो जितनी बार लिखा जाए उतना अच्छा है। मेरे टीचर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 6-6 बार लिखवा लेते थे, जिस दिन सिलेबस खत्म होता है ना, वो कहते कल लिख के लाना 5 बार और कॉपी सबमिट कराना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर जगे रहो रात रात भर, लिखते रहो लिखते रहो। अब उससे फायदा क्या होता था, मैक्सिमम रिएक्शन हाथ से निकल जाती थी। अब लोगों को लगता है मजाक है, आपको तो एक ही बार लिखने के लिए दिया था मैंने, उसी दिन आपने अपना रंग रूप सारे दिखा दिए थे मेरे को। तो फर्क था पहले वाले बच्चों में और आजकल के बच्चों में, बहुत फर्क है, पहले वाले कहना मानते थे, हम जैसे की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कहना मानते थे, और आज वाले मैं आपकी बात कर रहा हूं। हाँ जी, सिस पे ट्रांस अटैक हुआ, एक पेज जोड़ रहा हूं, एक पेज जोड़ रहा हूं अपनी कॉपी में, उसको जोड़ लेना भाई, अपनी कॉपी में ये पेज जोड़ लो भाई, एक टेबल को जोड़ लो, यहां सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपके पास सिस फॉर्म है, अगर सबस्ट्रेट आपके पास सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, दो ही चांस हो सकते हैं। इस पे अटैक का टाइप, सिस पे अगर सिन अटैक हो गया, अभी आपने इसका एग्जांपल सीखा नहीं है, एल्कीन्स पढ़ी नहीं तो कहां सीखा होता, एल्कीन्स के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन है एक 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 का, वो सिन एडिशन है, दो OH सेम साइड जुड़ते हैं उसमें, मैकेनिज्म है उसकी। तो सिस पे सिन अटैक हो तो मीजोफॉर्म बनता है, बड़ी काम की टेबल है। ट्रांस पे सिन अटैक हो तो रेसेमिक मिक्सचर बनता है, रेसेमिक मिक्सचर का मतलब आप समझते हो 50-50 RS, एक ही स्ट्रक्चर के दो फॉर्म बनते हैं। फिर वापस सिस पर अब हम ट्रांस अटैक करवा रहे हैं, और ट्रांस पे भी हम ट्रांस अटैक करवा रहे हैं। सिस पे जब, सिस पे सिन हो गया, ट्रांस पे सिन हो गया, सिस पे ट्रांस, ट्रांस पे ट्रांस, तो खुद सोचो
जब सेम टाइप का अटैक हो तो मीजो बनता है, और डिफरेंट टाइप का, ये मैंने लास्ट वर्ड्स बना दिए, सेम पे सेम, सिस पे सिन तो मीजो, ट्रांस पे ट्रांस मीजो, ट्रांस पे ट्रांस मीजो, उल्टा हो जाए तो ऑलवेज क्या बनता है, रेसमिक, कनेक्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, थोड़ा बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ पीछे चले भाई। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सिस पे ब्रोमीन का ट्रांस अटैक करवाया तो कितने फॉर्म बना दोगे भाइयों और बहनों, दो, रेसमिक बनेगा ना। और अब है आपके पास ट्रांस, टू ब्यूटीन, ट्रांस पे ट्रांस अटैक होएगा जब, तो एक ही बनेगा ना, मीजो। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर हियर, आर एस दो, फिर आर एस दो, फिर मीजो, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन गए भाई, फाइव। अभी आगे की बात करें, उसने कहा एक्स वाई जेड, एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, जेड इज अ नंबर ऑफ फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद मिले प्रोडक्ट, और आपको एक नहीं दो नहीं ढेरों बार बताया, जितने भी आर एस फॉर्म्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिटरली मैच करती हैं, दैट्स व्हाई उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। तो पांच में से दो बाहर हो जाएंगे, तीन बच जाएंगे। इस टेबल को जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एल्कीन चैप्टर से उठाइए। हाँ भाई, 313, 314, 315, एन प्रोपाइलिडीन, कौन पूछ रहा है ये, सिंह साहब, एन प्रोपाइलिडीन, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो कि प्रोपाइलिडीन किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो तो उसका सफिक्स आता है आई डी ई एन ई, आई डी ई एन ई, व्हेन टू फ्री वैलेंसीज ऑन द सेम कार्बन, जब एक ही कार्बन की दो फ्री वैलेंसी हो तो वहां सफिक्स आता है आई डी ई एन ई, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। लो जी, अब इसको एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये फिर पिछले साल की रिएक्शन हो गई है और इस साल आ सकती है अगर मैं पोली हेलोजन्स करवाऊं आपको, पोली हेलोजन मतलब विसिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड, हेलोफॉर्म करवाऊं, CCl4 करवाऊं, क्लियर। वैसे उसको अगले टेस्ट में भेज दिया है, लेकिन हम जैसे ही फ्री होंगे कर लेंगे, क्योंकि आगे आगे वैसे ही बर्डन है, एल्कोहल फिनोल ईथर में खुद में अच्छी अच्छी रिएक्शन है, दैट्स वाई हम समेटते हुए जाएंगे सारे काम को ना। जैसे हम लोग फ्री हो गए मान लो कल वाली क्लास में, तो फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रीड कर लेंगे, पोली हेलोजेंस भी कर लेंगे, और टेस्ट ऑफ एल्काइल अराइल हैलाइड ये सब कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में वहां आएगा, तो जब मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ ना पोटेशियामाइड से, तो बच्चे इसका होता है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। मैं तो फिर बच्चों को बोलता हूँ कि पहचानने की कोशिश करो, ये भाई साहब है कौन, ये एक पावरफुल बेस, पोटेशियामाइड इज नॉट ओनली बेस, पावरफुल, नॉट स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बेस। तो पावरफुल बेस जब भी कभी एल्काइल हैलाइड पे या डाई हैलोजन पे पढ़ाओ, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होएगा, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होएगा, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होएगा। तो अगर आप मेरी बात को सुन समझ पाओगे तो दो स्टेप्स के बाद आपके पास प्रोपाइन आ जाएगा, प्रोपाइन। आपको लगता है कि मैं इसके बारे में 2-3 मिनट और बोल दूं तो ये आप कह सकते हो, मैं बोल दूंगा, नहीं तो फिर मैं रुक गया हूं। समझ में आ गया, सोडामाइड, एल्कोलिक क्यूएच, ये बहुत अच्छे खासे बेस है और इनका काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना। तो एक बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, दूसरी बार फिर हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यहां प्रोपाइन आ गया है। थोड़ा सा टच लग रहा है, हल्का हल्का ना, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 3-4 क्वेश्चन में 11वीं का टच लग रहा है। थ्री सिक्सटीन, 317, 18, 19, 20, कौन सा, हाँ भाई, फिर तो सीधा 21 ही पूछोगे,
क्लियर ना, ये एक्चुअल में वही क्वेश्चन है जो जनरली मेरे से पूछे जाते हैं, तो मेरे को पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ड्रॉपर का बैच भी होता है ना, 12वीं पास बच्चे हैं वो भी यही क्वेश्चन पूछते हैं कॉमनली जब पढ़ाने के बाद, और पढ़ाने के बाद इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, ये एक एक्चुअल में विन विन सिचुएशन में मानता हूँ मैं अपने आप को ना। 11वीं बच्चा थोड़ा कम पढ़ कर आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12वीं में जितना मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया उस बेसिस पे यही क्वेश्चन पूछ रहे, तो हर एक कोई पूछता है जनरल है, तो टेंशन ना लो। अगर यही डाउट्स हैं सही ढंग से करने के बाद, तो फिर कोई हैवी डाउट्स नहीं है। ये मैंने पता क्या किया, एल्कोहल, अब कई बार वो बच्चा क्यों नहीं कर पाता, 12वीं पास बच्चा भी क्यों नहीं कर पाता, उसके दिमाग से ना एल्कोहल की रिएक्शन निकल जाती है। एल्कोहल एक्चुअल में ना एक पुअर एसिड है, लेकिन सोडियम एक पावरफुल बेस है फर्स्ट ए वाला, तो एच हटाकर एन ए ले आएगा। अब इसमें होगी इंटरा एस एन, इंटरा एस एन, इंटरा एस एन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना बच्चे, ये न्यूक्लियोफाइल इस ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और बी आर बाहर हो जाएगा। और आप सोचो 1 2 3 4, कार्बोकटाइन तो बन ही नहीं सकता, ओ नेगेटिव था, उसने बी आर से जुड़े हुए कार्बन पे जाके अटैक कर दिया, और तो कुछ अवेलेबल ही नहीं आपके पास, तो इसको बोलते हैं इंट्रा विद इन द मोलिक्यूल एस एन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इन द मोलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन एस एन। 323 पूछोगे मेरे ख्याल में, क्या हो गया? ये लो भी दोबारा लो लो, इंटरेसन तुम्हारे, बरसात नहीं हुई इधर क्या आज? ओके हरमनदीप सिंह, तेरे को फीवर हो रखा था रे या कुछ और हो रखा था, भूल गया मैसेज करके? तूने मैसेज नहीं डाला था मेरे को कि मैं बीमार हूं? अच्छी बात है, तो 323 चाहिए होगा मुझे लगता है ना, 3.23 चाहिए होगा। इसके पीछे भी थोड़ा सा 11th क्लास रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस साल से कनेक्ट कर सकता हूँ रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, इसको अगले पेज पे लिखता हूँ ध्यान से सुनना। देखो बच्चे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, तो भाई सबसे पहले सबस्ट्रेट सारी जनता को पता है आरएक्सी है, अगर कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेगा तो दो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, अगर आर सेम हो तो, पुरानी बातें हो गई हैं तो मुझे लगता है इस पे हमें टाइम नहीं खराब करना चाहिए, सॉरी अगर हेलोजन सेम हो, और अगर आर सेम हो तो जो जितना जल्दी से लीव करेगा, पुरानी बातें हैं नया कुछ नहीं है। अब रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम ढूंढने निकले, रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम ढूंढने निकले, रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम ढूंढने निकले, तो इसमें पीटी पीडी निकल हाइड्रोजन, सोडियम बोरो हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, टिन एचसीएल एफई एचसीएल, क्लियर ना, ये सारे अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये सारे अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड भी लगाना, ये एक्स माइनस को मैं इसके माइनस के साथ, मैं इस एक्स माइनस को इसके माइनस के साथ, मैं इस एक्स माइनस को इसके माइनस के साथ, जहां जहां ये हाइड्राइड है एस एन रिएक्शन हो रही है लिटरली एस एन, भाई हाइड्राइड हो गया एच माइनस, इट सेल्फ इज वेरी गुड, तो नहीं बोल सकता इट सेल्फ इज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो हेलाइड हटता जाएगा एच माइनस आता जाएगा, एल्केन 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 बनते जाएंगे, एल्केन एल्केन बनते जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिससे उस क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी ले लेंगे, आरएक्स पर इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो एक्स हटके एच आ गया, इसको बोलते हो एल्केन, ठीक है भाई, एक्स हटके एच आ गया
इसको बोलते हो एल्केन। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई वो समझ नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई, अगर प्राइमरी हो तो उनके बॉन्ड नहीं जल्दी से टूटते, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरो हाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्राइमरी के सामने सोडियम बोरोहाइड्राइड फेल हो गया। प्राइमरी के सामने इसको क्या हो गया, रसमप्रीत को फेल ली है क्या? रसमप्रीत तुमने वेटिंग रूम में जाना है, कर क्या रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। अभी एक्चुअल क्लास की फीलिंग लेनी है तो मेरी क्लास में आना पड़ेगा आपको, बाकी तुम्हें थोड़ा थोड़ा कम फीलिंग आती होगी दूसरी जगहों में ना। डिसिप्लिन में बैठना है तो सिर्फ यही क्लास बनी हुई है। क्यों सिंह साहब, सिंह साहब मान रहे हैं बात को? आरएक्स सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड प्राइमरी के सामने फेल हो गया। अगर मैं इसको लिथियम एल्युमिनियम, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मैं टर्शरी एल्काइल हेलाइड लिख के बैठ जाऊं, अगर मैं टर्शरी एल्काइल, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज कर सकता मैं, कहते वो तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर क्या दिक्कत है आपको? मैंने कहा जी मुझे दिक्कत ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं है, मुझे दिक्कत टर्शरी से है। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूं, सुनो। जब ये टर्शरी सोडियम के साथ हो वर्ड्स रिएक्शन, जब ये टर्शरी सोडियम के साथ हो वर्ड्स रिएक्शन तो एल्कीन बनता है, जब ये टर्शरी अमोनिया के साथ हो हिटिंग एग्जोस्टिव एल्काइलेशन तो ये एल्कीन बनता है, जब यही टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हो तो भी एल्कीन बनता है। सबसे बड़ा ब्लंडर है, टर्शरी के साथ तो थोड़ा सा वाटर शॉर्टर ले लो अच्छा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे आया था ना कि टर्शरी हो तो पानी के साथ हीट कर दो, बात खत्म, एल्कोहल बन जाएंगे। तो यहां आपके पास एल्कीन बनने शुरू। और अगर मैं प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शरी पे कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रिड्यूसिंग एजेंट डालना चाहते हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कि प्राइमरी के साथ भी, सेकेंडरी के साथ भी, टर्शरी के साथ की सभी के साथ रिएक्शन कर ले, तो आपका टीपीएच, टी फोर ट्राई, टी फोर फिनाइल, एच फोर हाइड्राइड, टीपीएच, और यहां एल्केन बन जाना है। तो प्राइमरी के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड को दिक्कत है, प्राइमरी के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड को दिक्कत है, प्राइमरी सोडियम बोरोहाइड्राइड को दिक्कत है, टर्शरी के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को दिक्कत कुछ नहीं है, एल्कीन बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप इस पे चलो, देखकर ही समझ जाओगे। सोचो सोचो, इस पे तो रिडक्शन हो गया, पहले वाले पे सेकेंडरी पे, इस वाले पे एलिमिनेशन हो गया। तो ये अपने नोट्स में डाल लेना, और इस सेम एल्केन चैप्टर में 11वीं के नोट्स में लिखा रहता है सेम। हाँ भाई, अगले तीन क्वेश्चन, हाँ भाई इसमें से बताओ कुछ। कौन सा 3-0? तो सोखा सा, यहां अटैक तो होना नहीं, अटैक तो यही होना है। अब तो सोच, एच एच एक दूसरे के सेम साइड थे तो ये वैसे भी सिस फॉर्म है, अगर नीड पड़ेगी तो ठीक है।
अब जो कह रहा हूं उसको सुनते जाना, एक तो SN2 है और सिस से तो स्टार्ट कर रहा है, बड़ा आसान है। और के ओ एच वोटर, SN2 कह रहा है तो पक्का इस BR को हटा के OH लगाएगा, लेकिन इन्वर्जन कराएगा। और जब तू तो इन्वर्जन कराएगा तो ये एच एच एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, तो सिस की जगह पर ट्रांस ट्रांस मिलेगा। अब दूसरी बात, अगर तेरे पास वन नंबर ये वाला था 2 एंड 3, तो आपके पास क्या था, 1R 3S सिस ब्रोमो 3 मिथाइल, तो तुम्हारे पास जो वन था वो आर था ना, अब वन पता क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें जो 6 दिन में नोट्स बनवाए ना वो ढंग से आते हो, फिर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन, और फुल प्रूफ गारंटी दे रहा हूं, उन नोट्स के अंदर से आंसर निकलेंगे ये वाले, क्लियर ना। और मैंने ये नहीं कि क्वेश्चन ओरिएंटेड काम किया है, मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उस थ्योरी से आप किसी बुक को भी, हमारी बुक छोड़ दो और कोई बुक पकड़ लो, गारंटीड वो भी सोल्व हो जाएगी आपसे। ये नहीं कि मेरी बुकलेट के क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे, किसी बुक के भी सोल्व हो जाएंगे, थ्योरी ऐसी है उससे हो जाएंगे आराम से। बोलो जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टूवर्ड्स इथेनोल। तो भाई इथेनोल है, हीटिंग है नहीं, तो तेरे से SN1 ही पूछ रहा, और मैं कहता तो इथेनोल हीटिंग कर दे तब E1 पूछ रहा, पूछ तो कार्बोक्टाइन ही रहा। लेकिन अब तुम इन स्ट्रक्चर को जब बनाओगे, पैरापे नाइट्रो ये तो मैंने खुद ही बनाया था नोट्स में, बेंजाइल ब्रोमाइड, अब ये मैं कहना पुराना क्वेश्चन था, कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंगली आंसर आ रहा है, सबके कार्बोकैटायन बना लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मुझे यही दिख रहा है थर्ड वाला, तो थर्ड सबसे टॉप पे एक ही जगह पे है। हमें कैसे पता चला ये SN1 पूछ रहा है, मिथेनॉल इथेनॉल वाटर विदाउट हीटिंग, तो SN1 ही कराएगा। अच्छा अगर ये इथेनॉल हटा के DMF लिख देता, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड विद NaCN, तब क्या लगता है तुम्हें कि इनमें से आंसर पहले नंबर पे कौन सा आता? क्वेश्चन तो बदलने का राइट है ना अपने पास, इथेनॉल हटा के DMF विद NaCN, NaCN इज वेरी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, NaCN इज वेरी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, तो आपका जो फर्स्ट वाला वो टॉप पे चला जाता, क्यों चला जाता वैसे बताना, BR के पड़ोस में जो CH2 है उस पे नाइट्रो ने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देना था, और यही SN2 का फंडामेंटल है। 332, 33, 37 तक, मिथाइल अपनी जगह फिक्स है, हाँ बिल्कुल 35 करा रहा हूँ भाई, है ऑन द स्पेशल डिमांड बट बिना किए हुए। ओ एच का एच हटके मिथाइल आ रखा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाए हम लोग, अगर इनमें से मैं मिथिनोल यूज कर रहा हूँ और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, HBr, मैग्नीशियम, ड्राइथर मिथाइल आइडाइड, HBr Na, ड्राइथर मिथाइल आइडाइड, सोडियम मिथाइल आइडाइड, ये मुझे ठीक लग रहा है सबसे बेस्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पे एक फील सा आ रहा है विलियमसन सिंथेसिस का। विलियमसन सिंथेसिस में पता है क्या हुआ, ओ Na बना, भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था इंट्रा SN का, OH के साथ Na की रिएक्शन हो तो एच हट के Na, बस ये एल्कोक्साइड बन गया और मिथाइल आइडाइड के साथ में विलियमसन करवा गया। मैं सारे बता देता हूं, मेन तो आंसर आपको बताया कि आंसर कौन सा आ रहा है। अब अगर आप सोचो इस पे
मैंने मिथेनॉल का अटैक करवाना है और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमें पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, ये भाई साहब यहाँ अटैक करवाएंगे और यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, डिहाइड्रेशन करवा देगा। और जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ फिर मिथेनॉल अटैक करे, तो जिस पे प्रोटॉन जाना है वो ये है, किसी पे दूसरा OCH3, तो आपके पास आंसर तो आएगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट किसकी तरफ बढ़ेगा, डायरेक्ट आंसर कौन सा आएगा, पहले एल्कीन, उसके बाद मिथेनॉल, उस पे प्रॉपरली अटैक करके कितनी यील्ड दे रहा है, लेकिन जो फोर्थ है उसकी यील्ड सुपर्ब है एज कंपेयर्ड। चलो जी अगली बार मैं इसको HBr, HBr क्या करेगा, इस जगह पे Br ले आएगा, टर्शरी है ना, टर्शरी का OH हट के उस जगह Br आ जाएगा, फिर इससे ग्रिगनार्ड बन जाएगा, RX+Mg ग्रिगनार्ड बन गया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये जो R नेगेटिव है ये वाला और मिथाइल है, अब मैं ऐसे बना रहा हूं, मिथाइल और OMgBr, OMgBr है ना, हाँ जी OMgBr, तो आपके पास ये पूरा के पूरा MgBr इस मिथाइल से सब्सटीट्यूट, लेकिन प्रॉब्लम वही है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बनने वाली यील्ड की। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे 335 में अगर लिखना है बेस्ट पाथ कौन सा है, तुम यहां थोड़ा लिखी लो ब्रैकेट में बेस्ट पाथ कौन सा है, तो बेस्ट पाथ आपके पास फोर्थ है, दिक्कत मुझे कहीं नहीं आ रही, ना वन में आ रही है ना टू में आ रही है, दिक्कत मुझे यील्ड की आ रही है बस। तो बेस्ट पाथ अगर सजेस्ट करवाओगे तो विलियमसन निकलेगा वो। ओए ड्राई Ag2 ईथर बनाता है और मोइस्ट वाला एल्कोहल बनाता है, ड्राई Ag2O एन प्रोपाइल है, तो डाई एन प्रोपाइल ईथर आ जाने, Ag2O में O-2 एक न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, अगर ये मोइस्ट होता तो OH आ जाता। अगर तुम इस रिएक्शन को इस वे से लिखना चाहते हो कि एग्जाम्पल्स ऑफ द SN रिएक्शन, तो पेपर में मुझे Ag2O यहां मिला, Ag2O यहां मिला, यहां Ag2O लिखकर मोइस्ट लिख गया, तो मैंने इसको दूसरे वर्ड्स में AgOH समझ लिया, मैं ROH लिखकर आ गया, जब Ag2O ड्राई लिखा ना तो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो O-2 निकला, तो O को दोनों तरफ से RR ने ज्वाइन किया, मेरा आंसर ROR आ गया, तो Ag2O मोइस्ट से मेरा आंसर एल्कोहल बनता है और Ag2O ड्राई से मेरा आंसर ईथर बनता है। हाँ भाई सोडियम टर्शरी बुटोक्साइड कैन फॉर्म ईथर ओनली विद, ये विलियमसन है, क्योंकि इसके साथ तो दिक्कत एल्कीन बन जाएगी, मैंने आपको कल ही समझाया था विलियमसन में, यहां भी कुछ हद तक ये, तो ये बेस्ट आंसर रहेगा। हाँ भाई अगला कोई भी क्वेश्चन, 39 से पहले कुछ है, ये सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो नहीं तो अगली क्लास नहीं लगा पाओगे भाई, अगले 60 सेकंड में सब बाहर हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, रिमूव वेटिंग लिस्ट में नहीं जा रहे। दस सेकंड हुए अभी तक, हाँ जी और 4:05 तक सभी वीडियो ऑन रखेंगे अपने, नहीं तो अब बचे हैं 30 सेकंड, रिमूव होंगे उसमें नहीं जाएंगे, ये अनमोल का नाम मैंने नोट कर लिया है। प्रभ सीरत का नाम मैंने नोट कर लिया है, पहले नंबर पे हेमल बाहर जा रही है, तीन नाम नोट हो गए, ठीक है तीन नाम नोट हो गए, अनमोल बाहर, 1 2 3 4, अनमोल ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बताया था चार नाम नोट हो गए, इधर से ये गुणदीप है और खुशबू है, ये सिर्फ लॉगिन करके बैठे हुए मुझे लगता है,
अर्शित, ये भी सिर्फ लोगिंड है। राहुल, ये भी सिर्फ लोगिंड है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछो अगला। 330 कौन सा था? 339। ओए SN2 है, पल्टीवर रिएक्शन को, और आई सबसे पहले निकलेगा, क्यों मैच तो करेगा। ये तेरे पास ओरिजिनली क्या था, आर या एस? आर ही पक्का? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये तुम्हारे पास 3 हुआ, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 आ रही है, क्योंकि फोर्थ नंबर वाला वर्टिकल पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है। रिएक्शन इन्वॉल्व्स वोल्डन इन्वर्जन, यस। ठीक है, क्योंकि SN2 कह रहा है जब द मेन प्रोडक्ट इज S3 अमाइनो। पहले तो हम बना के देख लें, यहां आपके पास OH आ गया, BR पल्टी मार गया, CH2NH2 है, या CH3 है, नंबर 1 किसको दूं, इसी को देना पड़ेगा, नंबर 2 इसको दूं, नंबर 3। हाँ जी, नंबर 1 ब्रोमीन को देना, नंबरिंग कर रहा हूं। अच्छा, आईपैक नंबरिंग कर रहा हूं, आईपैक नंबरिंग। सुनो, द मेन प्रोडक्ट इज कैपिटल एस, हाँ आर से एस बनेगा, ठीक है। 3 अमाइनो, वाई 3 अमाइनो, जब 2 पे ओ एच आ रहा है, NH2 को पहला नंबर मिल रहा है, और मुझको तो यही इनकरेक्ट लग रहा है। 2 ब्रोमो ठीक था, प्रोपेन 2 ओल ठीक है, इट शुड बी कैपिटल एस, असल द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय अ प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप, ये भी ठीक है। तो सेकंड ही गलत है, इसका आईपैक नेम गलत दे रखा है। अगर ये लिखा होता ना मेन प्रोडक्ट इज कैपिटल S1 अमाइनो 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल, तो बेटर होता। तुम इसके साथ लिख सकते हो ना कि अगर आंसर ये दिया होता क्या, कैपिटल S1 अमाइनो 2 ब्रोमो एंड प्रोपेन 2 ओल, तो ये आंसर होता है इसका। हाँ भाई, 42 43 तक, 42 तो इजी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है, तो पक्का SN2 की तरफ लेके जा रहा है। ऊपर से CO- इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा रखा है, SN2 की तरफ लेके जा रहा है। इन द अबो रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, पहले तो इसको खुद को नाम लिख दो, क्या है इसका ओरिजिनली, कैसा है ये? हाँ, जो एच है वो डैश पे है। ओरिजिनली ऐसे ही, द अबो रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाई कॉन्सेंट्रेशन तो पक्का ये एस है, तो आर बनेगा। कॉन्फिगरेशन गलत हो गया, मे बी डीएल, हाँ ठीक है, हमें तो इस बारे में पता नहीं चलता ना कुछ भी। डेक्सट्रोली वो तो प्रैक्टिकल होता है ना, जिसका भी क्वेश्चन था बच्चे का, मे बी हैविंग आर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ए और सी आंसर टिक मार दो। अभी फंसा कैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा आइडिया आप ही दे सकते हो। इसने हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड दे दिया ना, तो पक्का न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ पे इसने डिपेंडेंसी रख ली है। चलो देखना, 359 हो गए, 4 बजने वाले हैं। कौन सा बोलना भी फटाफट, कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कीटोन ऑन बॉइलिंग, ऐसा करना ना, इनको सीख ही लेना कल, ये डाई हेलाइड्स की रिएक्शन है, ये पोली हेलोजन्स कैटेगरी में आती है। एक तो पीछे थी वो एल्काइन वाली, उसको भी कल मेरे से लिखवा लेना, कोई एक ही बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो, तू ही ले ले भाई। अवनीत सिंह, तू मेरे को कल कहेगा सर डाई हेलोजन्स की रिएक्शन करानी है आपने, कल आती बोलना, डाई हेलोजन्स की रिएक्शन करानी है, बोलना है तूने। फिर अभी ना टेम्परेली नहीं करते इसको, डाई हेलोजन की रिएक्शन कल करते हैं। वैसे ना तू पता क्या करना है, सोच, अगर कभी भी तेरे पास टर्मिनल जेमिनल डाइहेलाइड हो और एक्वस KOH लेके चल रहा है, तो 2 OH आ गए, और एक कार्बन पे 2 OH ऑलवेज अनस्टेबल होते हैं, तो एल्डिहाइड बन गया,
और अगर तू उसको नॉन टर्मिनल डाइहेलाइड लेके चलेगा तो ये दो सी एल अटके, दो ओ एच आ जाएंगे, और जब एक कार्बन पे दो ओ एच, फिर वाटर निकलेगा या कीटोन बन जाएगा। तो इस बात को कल हाईलाइट करके स्पेशली लिख देंगे, होनी एसएन रिएक्शन ही है, कल बता देंगे। और तू मुझसे बोलेगा सर डाइहेलाइड्स की रिएक्शंस करवा दो, तीन चार पांच जो भी है, 45, 46, 47, 49 नंबर तक, 50 नंबर तक, 50 भी वही है देखो अभी करवाई थी जो सोडामाइड वाली ना, सोडामाइड के साथ इस जर्मिनल का जब ट्रीटमेंट होएगा तो ये एल्काइन बना देगा, दूसरी बार सेम रिएक्शन कॉपी पेस्ट हो गई है। चलो एटलीस्ट 353 तक खत्म करो, ये एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए, 353 तक। नेक्स्ट आपके पास या कोई आरपीएस उठाऊं, आरपीएस वन कर ले कि टच ही नहीं है? आरपीएस टच तो की होगी, टच मतलब टच ले अभी। देखना स्टार्ट के क्वेश्चन है आपके पास पांच, क्या कह रहा है, पांचवा और आठवां, आठवें नंबर तक कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव पांचवा आठवां कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव पांचवा आठवां कह रहा है, मुझे लगा कहीं और पहुंच गया। हाँ भाई पांचवा तो आसान है भाई, होल जीगलर एनबीएस दिया हुआ है, इस जगह पे बीआर लगा दो, आंसर आ गया एलाइलिक पोजीशन पे। उसके बाद परोक्साइड SO2 CL2, ये एलाइलिक की विनाइलिक की जगह पे, एलाइलिक की जगह पे हो जाएगा बेंजाइलिक, तेरे पास ये आंसर आ जाएगा। आठवां सेकंड का फिफ्थ, बच्चे देखो ना वो तुमसे SN1 पूछ रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने दिमाग पे जोर मार के एक बात बोलनी है, स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है, साफ सी बात है रेजोनेंस वाला। SN2 पूछ रहा है, थर्ड का थर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस इसको होने नहीं देगी। थर्ड का थर्ड भी बोल रहा था कोई, सेकंड का थर्ड, सेकंड के थर्ड में फिर वही हरकत। अब देखो पता चल रहा है कि बच्चों ने आरपीएस ही की है, बुक तो सिर्फ सिंह साहब ने की है, ये सेकेंडरी है ये प्राइमरी है, तो SN1 पूछेगा तो सेकेंडरी, जब वो SN1 कह रहे हैं ना SN1, तो भाई एक ही बात का पिछले 6 दिन से रट्टा डल रहा है, SN1 पूछे तो कार्बोकैटायन बनाओ, SN2 पूछे तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन विद मोर पॉजिटिव चार्ज, जो सिंपल रूल है। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, वैसे C5H12 के ना 8 आइसोमर बनते हैं, 8। वो कह रहा था वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन सिंगल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाए, वो मैं मेरे दिमाग में जो उस बेसिस पे बना देता हूँ, ये C5H12 का एक आइसोमर है, और वैसे C5H12 टोटल तीन ही बनते हैं, क्लियर ना, उन तीनों को हम बना लेते हैं। कहाँ चल रहे थे भाई, पांच कह रहा है ना ये, तो एक तो ये बन गया, एक सीधा मैंने बनाया ही नहीं, ब्लंडर तो वही कर रहे हैं। एन पेंटेन
लो जी, तो पहले का आंसर पहला ये वाला थ्री आइसोमेरिक, आप स्मार्ट हो ऐसा आपको लगता है। एक ये बनाएगा, दो तीन चार इससे चार बनेंगे, और 1 2 3 इससे तीन बनेंगे। तो C5H12 के तीन आइसोमर बना दो, मोनो क्लोरीनेशन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, डाई और कितने बन रहे हैं, तो पहले वाले से एक बन रहा है, दूसरे वाले से चार बन रहे हैं, और लास्ट वाले से तीन बन रहे हैं। आर और एस में यहां लगेगा तो नहीं बनेगा, यहां लगेगा तो बनेगा, है ना। हाँ, इसने आर एस कंसिडर नहीं किए, स्ट्रक्चरल ओनली, ये ही लिख लो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, स्ट्रक्चरल ओनली। ठीक है भाई, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आरपीएस 1 आपने कर लिया है और उसके तीन सेक्शन तक कर लिया है, कल यही फिर शुरू हो जाएगा आधे घंटे के बाद, तो अब आरपीएस फोकस रहेंगे, सभी बच्चे आरपीएस डन करो, क्लियर ना, उसके बाद फिर हम शुरू कर लेंगे अपनी असाइनमेंट। हाँ, बस वही जो पढ़ते जाओगे ट्रेंड पता चलता जाएगा ना।